गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ सागरिका शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम अपने प्रीवियस सेशंस में कंटिन्यूसली क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जो क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और उन्हीं के साथ हम उस टॉपिक के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट को, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते थे। बट अब कुछ बच्चों की डिमांड थी कि क्वेश्चनिंग के अलावा उनको सीरीज प्रोवाइड करवाई जाए वेजिटेबल साइंस की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फूड क्रॉप्स को हमने कवर कर लिया है। तो उसी प्रकार से आज हम जो है वो वेजिटेबल क्रॉप्स को स्टार्ट करेंगे, उनकी सीरीज को कंटिन्यूसली स्टार्ट करेंगे, उसी प्रकार से जैसे हमने फूड क्रॉप्स को कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने भी इसको फॉलो नहीं किया हुआ है तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो वहीं से कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टमाटो कल्टीवेशन को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है, आप सभी जानते हो इसके बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप बताओ कि कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जिसको हम किंग ऑफ वेजिटेबल बोलते हैं, एज वेल एज क्वीन ऑफ वेजिटेबल भी बोलते हैं। मतलब कि किंग ऑफ वेजिटेबल कौन है एंड क्वीन ऑफ वेजिटेबल कौन है, ये आपने बताना है। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन टमाटो कल्टीवेशन का। तो स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, मेनली एएफओ एग्जाम में जो टमाटो कल्टीवेशन से क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कल्टीवेशन को हमने किस प्रकार से पढ़ना है, किस पोर्शन के ऊपर मेजर फोकस करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियर शेप्ड वरायटी ऑफ टमाटो। तो टमाटो की वरायटी से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी वरायटी जो है वो पियर शेप्ड है, मीन्स टू से कि जैसा पियर का फ्रूट होता है उसी शेप में जो टमाटो की वरायटी है वो कौन सी है। तो अब फॉलोइंग ऑप्शन है ये सारी, पंजाब जुहारा, हिसार, लालिमा, पूसर, उरूबी, पंत, बहार, नन ऑफ दीज, ये सारी जो है वो बताई गई है टमाटो की वराइटीज के बारे में। तो सबसे पहले हमारी रिवीजन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें वरायटी को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर वरायटी की क्या स्पेसिफिकेशन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सी वरायटी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंत बहार। पंत बहार जो है टमाटो की पियर शेप्ड वरायटी है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो इसी प्रकार से सभी ने आंसर किया है कि लेडी फिंगर एंड पोटैटो। तो यस, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। पोटैटो जो है वो किंग ऑफ वेजिटेबल हम उसको बोलते हैं, और क्वीन ऑफ वेजिटेबल क्या है, ओकरा, जिसको हम लेडी फिंगर भी बोलते हैं। तो ओकरा एंड लेडी फिंगर दोनों जो है वो क्वीन ऑफ वेजिटेबल्स हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल जो है वो पोटैटो है। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लॉसम एंड रॉट इज इन डैश एंड इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो ब्लॉसम एंड रॉट डिसऑर्डर है ये किस वेजिटेबल का डिसऑर्डर है, प्लस किसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। तो अब सभी ने इसका आंसर बताना है कि ये क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन है टमाटो एंड डेफिशिएंसी जो न्यूट्रिएंट की है वो है आयरन। इसके अलावा नेक्स्ट है टमाटो कैल्शियम, अनियन आयरन, अनियन कैल्शियम एंड पोटैटो फॉस्फोरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा टमाटो। टमाटो क्रॉप का मेन एंड इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है ब्लॉसम एंड रॉट, किसकी वजह से होता है, वो होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का, और ये एएफओ 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लस ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें यही सेम क्वेश्चन आया है कि जो टमाटो का ब्लॉसम एंड रॉट है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बेर भी बोलते हैं, टमाटो का बेर किसकी वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बेसिकली आता होता है कि किसकी वजह से है, तो ये है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से है। तो ये हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट था जानना। इसके अलावा ब्लॉसम एंड रॉट क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे आगे इसकी कल्टीवेशन के अंदर ही, जब हम इसके डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा रूबी इज द वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट। तो पूसा रूबी किस फ्रूट की वैरायटी है, तो ऑब्वियसली अब आपको एस्टिमेट करना ईजी हो जाएगा क्योंकि टोमेटो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टोमेटो की वैरायटी होगी। बट ये हमें जनरली नहीं पता होता क्योंकि एग्जाम में हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। कन्फ्यूजन हमें क्यों होगी, क्योंकि पूसा रूबी वर्ड जो है वो टू और क्रॉप्स की भी वैरायटी है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी। तो इस क्वेश्चन का तो जो राइट आंसर आएगा वो टोमेटो ही आएगा, बट रूबी सेम किस किस फूड क्रॉप की वैरायटी है या फिर वेजिटेबल क्रॉप की है, टोमेटो की हो गई, ये टोमेटो वेजिटेबल क्रॉप है, पूसा रूबी इसका आंसर आ गया। इसके अलावा अगर हम बात करें ओनली रूबी, रूबी किस फ्रूट की वैरायटी है, तो ये जो है वो पॉमग्रेनेट की वैरायटी है। और साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी की है, मतलब कि हार्ड सीडेड वैरायटी है या फिर सॉफ्ट सीडेड वैरायटी है। तो इसका आंसर आपने बताना है कि जो पॉमग्रेनेट की रूबी वैरायटी है वो सॉफ्ट सीडेड वैरायटी है या फिर हार्ड सीडेड वैरायटी है, क्योंकि इस क्रॉप को हमने कवर किया हुआ है। इसके अलावा
रूबी जो है वो स्ट्रॉबेरी की वैरायटी भी है, और स्ट्रॉबेरी के अलावा ये किसकी वैरायटी है, ये है ग्रे फ्रूट की, जो कि है रूबी रेड। रूबी रेड या फिर स्टार रूबी जो है वो दोनों ही ग्रे फ्रूट्स की वैरायटीज है। तो अब आपको पता चल चुका है कि रूबी वर्ड जो है वो किस किस क्रॉप में आ रहा है, तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जाम में हमें यही कंफ्यूजन हो जाती है कि सेम जो है वो किस किस क्रॉप की वैरायटीज हैं, तो यहाँ पे आपका जानना जरूरी था। इसी वजह से काफ़ी बच्चों ने आंसर किया है, कईयों ने बोला है रूबी हार्ड सीडेड है, कईयों ने बोला है सॉफ्ट सीडेड है। तो जिन्होंने भी हार्ड सीडेड बोला है उनका आंसर जो है वो रॉन्ग है, रूबी जो है वो सॉफ्ट सीडेड वैरायटी है पॉमग्रेनेट की। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, पॉमग्रेनेट के अंदर यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वैरायटी हार्ड सीडेड है और कौन सी वैरायटी जो है वो सॉफ्ट सीडेड है। इसी के अकॉर्डिंग हमने दो मेजर कैटेगरीज में इस वैरायटीज की क्लासिफिकेशन की हुई है। तो हार्ड सीडर वालों का सभी का आंसर जो है वो रॉन्ग है, रूबी जो है वो सॉफ्ट सीडर वैरायटी है पॉमग्रेनेट की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो टमाटो आएगा। तो इसके अलावा नेक्स्ट है टमाटो की कल्टीवेशन। तो टमाटो को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टमाटो जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, इस फैमिली में टमाटो के अलावा और कौन कौन सी वेजिटेबल्स कवर आती हैं। तो टमाटो आप सभी जानते हो सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सोलिनेसी फैमिली का दूसरा नेम क्या है, इसको हम जो है वो नाइट शेड फैमिली भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपने करना है, इसको नाइट शेड फैमिली क्यों बोला जाता है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। और सोलनेसी फैमिली में और कौन कौन सी वेजिटेबल्स आती हैं, पटैटो, ब्रिंजल, चिली, कैप्सिकम, ये सारी जो है वो वेजिटेबल्स सोलिनेसी फैमिली में आती हैं। इसके अलावा इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, साउथ अमेरिका जो है वो टोमेटो का सेंटर ऑफ ओरिजिन है। क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो 24 इसका जो है वो क्रोमोसोम नंबर है। और सोलनेसी फैमिली के अंदर जो वेजिटेबल्स की हमने बात की है कौन कौन सी है, पटैटो, टमाटो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, चिली, ब्रिंजल, कैप्सिकम, ये चारों जो वेजिटेबल्स हैं ये सेम सोलनेसी फैमिली की हैं और सभी का जो क्रोमोसोम नंबर है वो 24 है। ओनली पटैटो का जो है वो 48 है। पटैटो को हमने क्विंग ऑफ वेजिटेबल्स बोला है, इसी वजह से किंग का क्रोमोसोम नंबर जो है वो ज़्यादा है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो अब नेक्स्ट क्या है कि टमाटो की जो प्रोडक्शन है, कल्टीवेशन है, उसको कौन सी रेवोल्यूशन प्रमोट करती है। तो टमाटो की प्रोडक्शन को, कल्टीवेशन को जो है वो रेड रेवोल्यूशन प्रमोट करती है या फिर पिंक रेवोल्यूशन प्रमोट करती है। तो यहाँ पे भी हमें एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है। तो सोलिनेसी फैमिली में सबके सेम नहीं होंगे, ओनली ये जो चार वेजिटेबल्स जो हमने डिस्कस की हैं इन सभी का सेम है, किसको छोड़ के, पोटैटो को छोड़ के। पोटैटो का है 48, बाकी तीनों चारों का जो है वो 24 होता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। सभी का सेम नहीं बोला, ये चार वेजिटेबल्स का मैंने सेम बोला है। तो इसके अलावा टमाटो की कल्टीवेशन को रेड रेवोल्यूशन प्रमोट करती है और सेम यही रेड रेवोल्यूशन टमाटो के अलावा किस और चीज़ की प्रोडक्शन को प्रमोट करती है। अगर हम बात करें कि पिंक रेवोल्यूशन जो है वो किसकी कल्टीवेशन को प्रमोट करती है, किस वेजिटेबल की कल्टीवेशन को प्रमोट करती है, तो उसका आंसर जो आएगा वो आएगा अनियन प्लस प्रॉन। प्रॉन एंड अनियन दोनों को जो है वो पिंक रेवोल्यूशन प्रमोट करती है। इसके अलावा अगर रेड की अगर हम बात करें तो टमाटो की बात तो हमने कर ली है, तो टमाटो की बात हमने कर ली है, बट यहाँ पे जो दूसरा आएगा वो क्या आएगा, मीट। तो ये मीट की रेवोल्यूशन को भी प्रमोट करती है, दोनों बातें यहाँ पे जो आएंगी टमाटो के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि रेड रेवोल्यूशन किस किस चीज़ को प्रमोट करती है। इसके अलावा अगर हम फादर ऑफ टमाटो की बात करें तो डॉक्टर गौतम कालों को हम जो है वो फादर ऑफ टमाटो बोलते हैं। इसके अलावा टमाटो के अलावा टमाटो क्रॉप के और अदर नेम्स कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं इसके नेम। सबसे पहले नेम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्फ एप्पल या फिर इसको वॉल्फ पीच बोला जाता है। इसके अलावा इसको वेलायती बैंगन भी बोलते हैं, जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आ जाता है कि वेलायती बैंगन जो है वो किस वेजिटेबल का नेम है, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ब्रिंजल को ही हम हिंदी में बैंगन बोलते हैं। तो यहाँ पे वेलायती बैंगन जो है वो टमाटो का कॉमन नेम है, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। इसके अलावा इसको एप्पल ऑफ पीरू बोलते हैं, पुअर मैंस ऑरेंज बोलते हैं, इसको एमोरस फ्रूट एप्पल भी बोला जाता है। तो एप्पल ऑफ पीरू इसका इंपॉर्टेंट नेम है, प्लस वेलायती बैंगन भी इसका इंपॉर्टेंट है। इसको वॉल्फ एप्पल या फिर वॉल्फ पीच भी बोलते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है।
इसके अलावा नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज प्रोटेक्टिव फूड ड्यू टू इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी। तो टमाटो के अंदर न्यूट्रिशनल स्टेटस इतना अच्छा होता है जिसकी वजह से हम इसको प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। बट अगर हम हॉर्टिकल्चर के अंदर बात करें कि प्रोटेक्टिव फ्रूट फूड किसको बोला जाता है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कलेक्टिवली हम जो है वो प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। इसके अलावा नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड सॉयल, जो कि टमाटो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते होंगे कि टमाटो के अंदर रेड कलर की डेवलपमेंट के लिए लाइट का एंड टेम्परेचर का जो है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वही सेम बात अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको, ये जो है वो थर्मो सेंसिटिव क्रॉप है। थर्मो सेंसिटिव का मतलब है कि ये हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव है, मतलब कि टेम्परेचर अगर नॉर्मल रेंज से या तो कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, दोनों ही कंडीशन जो है वो टमाटो की कल्टिवेशन के लिए हार्मफुल है। ये दोनों कंडीशन को ही टॉलरेट कर पाएगा, तो इसी वजह से ये कौन सा है, थर्मोसेंसिटिव क्रॉप है। इसके अलावा टमाटो कल्टीवेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 22-25 डिग्री सेल्सियस। इट कैन बी ग्रोन इन वाइड रेंज ऑफ सॉइल, बट सॉइल आप सभी को पता है कि किसी भी क्रॉप की अगर हम बात करें तो उसको वेल ड्रेन्ड एंड सैंडी लोम सोल के लिए बेस्ट होती है। तो वही सेम जो है वो टमाटो के अंदर है, बट टेम्परेचर जो है वो मेन रोल प्ले करता है। तो टमाटो की जो टेम्परेचर रेंज है वो 22-25 डिग्री है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है। इसके अलावा अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच रेंज जो है इसकी नियर द न्यूट्रल है, 6-7 के बीच में जो है टमाटो के अंदर पीएच होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टमाटो के अंदर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर रेंज है या पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसकी अगर रेंज ज़्यादा हो जाएगी तो उसके उस टाइम पे उसका लाइकोपीन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब इस क्वेश्चन को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइकोपीन क्या होता है, टमाटो के अंदर उसका क्या रोल है, और किस प्रकार से टेम्परेचर का इफेक्ट उसके लिए हार्मफुल होता है। तो लाइकोपीन आप सभी को पता है कि टमाटो का रेड कलर है, तो किसकी वजह से है, किस पिगमेंट की वजह से है, तो मेनली एंथोसाइनिन जो है वो रेड कलर और पर्पल कलर वाली पिगमेंट होती है। बट टमाटो के अंदर लाइकोपीन भी होती है जो कि रेड कलर को प्रमोट करती है। तो टमाटो हो गया, वाटरमेलन हो गया, कैरेट हो गया, इन सभी के अंदर जो है वो लाइकोपीन प्रेजेंट होता है जो कि रेड कलर को इन्हांस करता है। तो इसी वजह से अब लाइकोपीन की बात हो रही है, तो किस टेम्परेचर रेंज से अगर टेम्परेचर अबव चला जाएगा तो लाइकोपीन की फॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब कि टमाटो का रेड कलर नहीं डेवलप हो पाएगा। तो ये रेंज कौन सी है, ये है 27 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर जो है वो 27 से अबव नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा टमाटो के अंदर फेलियर ऑफ फ्रूट सेट भी होता है, मतलब कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फ्लावरिंग तो प्लांट के ऊपर अच्छी हो रही है बट वो फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं या फिर वो शेड हो जाती हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है, ये मेन समस्या है जो हमें टमाटो के अंदर देखने को मिलती है। और इसका रीज़न क्या है कि अगर डे का टेम्परेचर 38 से ज़्यादा चला जाता है या फिर इसी के साथ ही अगर नाइट का टेम्परेचर 13 से बिलो हो जाता है, तो दोनों ही कंडीशन में जो है वो फ्लावर से फ्रूट सेट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि टमाटो जो है वो थर्मोसेंसिटिव क्रॉप है, मतलब कि इसको ये स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही ग्रो करता है। अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो दोनों इसकी प्रोडक्शन के लिए जो है वो हार्मफुल होते हैं। तो इसके लिए आपको रेंज पता होनी चाहिए कि लाइकोपीन प्रोडक्शन के लिए जो हाईएस्ट रेंज है वो क्या है, 21-24 है। इस रेंज में इसकी प्रोडक्शन जो है वो बेस्ट होगी, टमाटो के अंदर रेड कलर की इन्हांसमेंट जो है वो अच्छी होगी। बट अगर 27 से ज़्यादा चला जाता है टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लाइकोपीन की फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पाएगी, तो कलर जो टमाटो के अंदर कलर है वो नहीं डेवलप हो पाएगा। तो ये इसका रीज़न है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं आगे स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है कि आप सभी जानते हो कि टमाटो जो है वो ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है, मतलब कि इसको हम जो है वो पहले इसकी नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद इसकी जो है वो फील्ड में सोइंग की जाती है, ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। तो उसी वजह से इसका सीड रेट पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्रूट क्रॉप्स को तो हम क्या है, मोस्टली फ्रूट क्रॉप्स को वेजिटेटिवली प्रोपिगेट करते हैं। तो वहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि उसका पर्टिकुलर प्रोपिगेशन मेथड कौन सा है, बट यहाँ पर हमें जो है वो वेजिटेबल मेनली जो है वो सीड के थ्रू ही जर्मिनेट होती है, सीड के थ्रू ही प्रोपिगेट होती हैं। तो इसी वजह से हमें जो है वो इसका सीड रेट अच्छे से पता होना चाहिए कि किस वेजिटेबल का कौन सा सीड रेट है। तो यहां पे टमाटो के लिए जो ट्रांसप्लांटिंग टाइम है नर्सरी बेड प्रेपरेशन के लिए क्या है, जून जुलाई है। अगर
हमारी क्रॉप हमने कौन सी प्रोड्यूस करनी है, विंटर क्रॉप। विंटर क्रॉप का मतलब क्या होता है कि जिस क्रॉप की प्रोडक्शन या फिर फ्रूटिंग विंटर सीजन में होगी उसको हम विंटर क्रॉप बोलते हैं। तो अब जिसकी प्रोडक्शन विंटर सीजन में होगी, जिसकी हार्वेस्टिंग हमने विंटर सीजन में करनी है, उसके लिए प्लांट्स को तो पहले ही तैयार करना पड़ेगा। तो इसी वजह से इसका जो नर्सरी का टाइम है विंटर क्रॉप का, वो होता है जून जुलाई, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 5-6 मंथ्स पहले उसकी प्रोडक्शन के। उसी साथ जो है वो अगर हमारा समर क्रॉप है तो उसके लिए नवंबर का टाइम जो है वो बेस्ट होता है नर्सरी प्रोडक्शन के लिए, और ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि डे लेंथ के अकॉर्डिंग टमाटो जो है वो किस कैटेगरी में आता है, शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे है या फिर डे न्यूट्रल है, इसका आंसर आपने करना है। इसके अलावा टमाटो के अंदर जो है वो फैकल्टेटिव पार्थिनोकार्पी होती है। पार्थिनोकार्पी का मतलब आप सभी जानते हो कि क्या होता है, सीडलेसनेस को हम पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। अगर फ्रूट्स के अंदर सीडलेसनेस होती है उस कंडीशन को जो है वो पार्थिनोकार्पी बोला जाता है। तो ये जो सीडलेसनेस है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से कॉज होती है पर्टिकुलर फ्रूट के अंदर, बट टमाटो के अंदर आपने कभी नहीं देखा होगा कि टमाटो जो है वो सीडलेस हो। तो यही रीजन है यहाँ पे कि हमने इसको जो है वो क्या बोला है, पार्थिनोकार्पी फैकल्टेटिव टाइप बोली है। फैकल्टेटिव का मतलब क्या है कि वो झूठी है, मतलब कि पार्थिनोकार्पी वर्ड की डेफिनेशन को वो फुलफिल नहीं कर रही है कि इसके अंदर सीडलेस फ्रूट होगा, सीडलेस फ्रूट ये होगा, सीडलेस नहीं होता है टमाटो। या तो सीड का कंटेंट कम होगा या फिर वो सीड थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, इसी वजह से टमाटो की पार्थिनोकार्पी को हम जो है वो सीडलेस पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। और ये GA3 की वजह से इंड्यूस होती है। अगर हम इसको इंड्यूस करना है आर्टिफिशियली तो वो जिबरेलिक एसिड के थ्रू होगी। और आपको ये भी पता है कि जो जिबरेलिक एसिड हार्मोन है ये एक तो पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है फ्रूट्स के अंदर, दूसरा ये जो है वो डॉर्मेंसी ब्रेकिंग हार्मोन है जो कि चिलिंग रिक्वायरमेंट को, प्लांट की चिलिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देगा, इससे जो है उनकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन से प्लांट्स की डॉर्मेंसी जिबरेलिक एसिड के थ्रू ब्रेक होती है, किस कैटेगरी के वो प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स बताए गए हैं जिनका टमाटो के अंदर मेन रोल होता है। कोई जो है वो फ्रूट का साइज इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है, कोई जो है उसका सेट फ्रूट की प्रोडक्शन को इन्हांस करने में हेल्पफुल होता है। तो ये सारे हमें जो है वो अच्छे से पता होने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट बात अगर हम करें सीड रेट की, तो टमाटो का सीड रेट क्या होता है, तो टमाटो का जो सीड रेट है वो 400 टू 500 ग्राम पर हेक्टेयर होता है। मतलब कि जनरली हमें पता याद रहना चाहिए कि हाफ केजी अप्रॉक्सीमेटली जो है वो टमाटो का सीड रेट सफिशिएंट है फॉर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। इसके अलावा अगर हम हाइब्रिड सीड की बात करें, तो जितनी भी क्रॉप्स की स्टडी की हुई है आपको पता होगा कि जो हाइब्रिड सीड की रेंज है या रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल सीड से थोड़ी सी कम होती है। तो इसी वजह से इसकी जो नॉर्मल रेंज से कम है उसकी रिक्वायरमेंट वो है 100 टू 150 ग्राम पर हेक्टेयर है, और जो फ्रूट टाइप है टमाटो का वो मल्टीपल सीड बेरी होता है। इसके अलावा जो फ्लावर का क्लस्टर होता है टमाटो के अंदर, टमाटो के जो फ्लावर हैं वो लाइट क्रीमिश कलर के होते हैं, तो उन फ्लावर का जो क्लस्टर है उसको हम ट्रस बोलते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन क्या बोला था मैंने कि डे लेंथ के अकॉर्डिंग टमाटो जो है वो किस कैटेगरी का प्लांट है, शॉर्ट डे है, डे न्यूट्रल है या फिर लॉन्ग डे प्लांट है। इसके अलावा टमाटो के अंदर जो मेजर एसिड है वो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, और टमाटो के अंदर मैक्सिमम एसिडिटी जो है वो पिंक स्टेज में होती है। पिंक स्टेज का मतलब क्या है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब जैसे जैसे टमाटो फ्रूट की डेवलपमेंट होती है उसका कलर पहले ग्रीन होता है, फिर वो येलो में कन्वर्ट होता है, येलो से वो पिंक कलर में कन्वर्ट होता है, उसके बाद जो फाइनल कलर है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब उसका पिंक कलर होगा, मतलब कि रेड कलर की फॉर्मेशन से जस्ट पहले की जो स्टेज होगी उस टाइम पे उसके अंदर जो है वो एसिड कंटेंट मैक्सिमम होता है। तो जैसे जैसे किसी भी फ्रूट की या वेजिटेबल क्रॉप की राइपनिंग होती जाएगी, टमाटो जो है वो फ्रूट की कैटेगरी में हम इसको कंसीडर करते हैं, तो जैसे जैसे उसकी राइपनिंग होती जाएगी तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर एसिड कंटेंट कम होता जाएगा, TSS कंटेंट इंक्रीज होता जाएगा, या फिर हम ये बोल देते हैं कि उसके अंदर जो है वो एसिडिटी कम होती जाएगी। तो ये मेन रीजन होता है जब फ्रूट की राइपनिंग होती है। तो ये जो है वो इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा जितने भी हमारे टमाटो के कल्टीवर्स होते हैं उनमें F1 कल्टीवर जो हैं वो F1 हाइब्रिड जो हैं, मतलब कि वो उनका एरिया सबसे ज़्यादा होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टमाटो के अंदर हाइब्रिड वैराइटीज़ की प्रोडक्शन या फिर उनसे प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि प्लांट टमाटो का जो है वो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था अब आपको उसका आंसर मिल गया है कि टमाटो प्लांट जो है वो डे न्यूट्रल प्लांट है। इसके साथ आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि टमाटो डे न्यूट्रल है, डे न्यूट्रल की कैटेगरी में और कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? ओके, तो मैंने बोला था कि कौन से सीड की डोरमेंसी, कौन से प्लांट्स के सीड की डोरमेंसी जिबरेलिक एसिड के थ्रू ब्रेक होती है, तो इसका आंसर नहीं बताया किसी ने। आकांक्षा ने बोला है कि नर्सरी एरिया कितना चाहिए होता है टमाटो के लिए, तो वो है 250 मीटर स्क्वेयर। आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो जो जिबरेलिक एसिड वाला मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो टेम्परेट क्रॉप के अंदर आपको पता है कि चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होती है प्लांट्स को, उनके सीड को डोरमेंसी की ब्रेक करने के लिए। तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। और जिबरेलिक एसिड क्या है? उसका अल्टरनेटिव है कि अगर हम जिबरेलिक एसिड की एप्लीकेशन कर देते हैं तो प्लांट की चिलिंग रिक्वायरमेंट्स या उस सीड की चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है, तो उसकी डोरमेंसी जो है वो जल्दी ब्रेक हो जाती है। तो इसी वजह से इसका ये वाला आंसर आएगा। इसके अलावा टमाटो जो है वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हो इसके बारे में कि इसकी राइपनिंग जो है वो ऑन द बिफोर हार्वेस्टिंग एज वेल एज आफ्टर हार्वेस्टिंग भी होती रहती है। इसी वजह से जिन प्लांट्स का राइपनिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहता है ऑन बिफोर हार्वेस्टिंग और आफ्टर हार्वेस्टिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स बोलते हैं। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं कि इनकी राइपनिंग जो है वो ऑन द ट्री एज वेल एज ऑफ द ट्री जो है वो होती रहती है, और ये राइपनिंग की क्लाइमेट्रिक की कैटेगरी में आती है। वो क्यों होती रहती है? क्योंकि उनका रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली होता रहता है, इसकी वजह से वो राइपन करती रहती हैं। तो ये जो जहाँ यहाँ पे जो था वो इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा टोमेटो जो है वो 5 फॉर्म्स का बोल सकते हैं या फिर 5 टाइप्स का होता है। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि एक तो आपको टाइप्स का नेम पता होना चाहिए, फॉर्म्स का नेम पता होना चाहिए, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम ये बात करें कि टमाटो फ्रूट का, टमाटो वेजिटेबल का एंसेस्टर कौन सा टमाटो है इनमें से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वाइल्ड ने बोला है डे न्यूट्रल प्लांट एक्सेप्ट पोटैटो, डे न्यूट्रल प्लांट एक्सेप्ट पोटैटो, कौन कौन से डे न्यूट्रल है? तो पोटैटो किस कैटेगरी में आएगा ये भी आपने बताना है कि अगर पोटैटो डे न्यूट्रल नहीं है तो फिर पोटैटो कौन सी कैटेगरी में आएगा, लॉन्ग डे में आएगा या फिर शॉर्ट डे में आएगा, ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा चेरी टमाटो होता है, पियर टमाटो जिसकी हमने बात की थी कि पियर शेप्ड वरायटी कौन सी है टमाटो की, ये वो बात हो गई। चेरी टमाटो का मतलब है कि जिन टमाटो का साइज काफी छोटा होता है जस्ट लाइक चेरी, तो उसको हम चेरी टमाटो बोलते हैं। इसके अलावा कॉमन टमाटो है जो कि हम मेनली कंजप्शन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप्स कौन कौन सी है? पोटैटो लीफ एंड अपराइट टमाटो। तो अगर हम एंसेस्टर की बात करें तो वो कौन सा है? तो अविराल ने आंसर किया है लॉन्ग डे प्लांट है, वाणी ने भी बोला है लॉन्ग डे प्लांट है, तो लॉन्ग डे आपका आंसर राइट है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वैसे तो ये लॉन्ग डे प्लांट है, बट अगर हम ट्यूबराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पोटैटो किस कैटेगरी में आएगा, लॉन्ग डे में आएगा या फिर शॉर्ट डे में आएगा? तो अगर हम टोमेटो एंसेस्टर की बात करें तो चेरी टोमेटो को जो है वो टोमेटो एंसेस्टर बोला जाता है, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंसेस्टर ऑफ टोमेटो जो है वो चेरी टोमेटो को बोलते हैं। इसके अलावा टोमेटो प्लांट जो है वो 2 टाइप्स में होता है, 2 टाइप्स का होता है अकॉर्डिंग टू ग्रोइंग हैबिट। तो ये 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं आपको ये तो आप सभी वेल नोन जानते हो। यस, टमाटो जो है वो मोस्ट प्रोसेस्ड वेजिटेबल है अमंग ऑल द वेजिटेबल्स। आप सभी जानते हो कि टमाटो से कितने प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, कैचअप बनाई जाती है, सॉस बनाई जाती है, इसके अलावा इससे पिकल फॉर्मेशन होती है, जैम वगैरह भी इससे बनाए जाते हैं। तो सारे जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हैं तो ये सारे टमाटो के प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हैं जो कि बनाए जाते हैं। इसके इन्हीं के ही जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट की, टमाटो कैचअप की या फिर टमाटो सॉस की TSS कितनी होती है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शुभम ने बताया है कि ट्यूबर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट डे प्लांट है, ट्यूबराइजेशन के लिए शॉर्ट डे, तो सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। तो आपने ध्यान में रखना है कि पोटैटो वैसे तो लॉन्ग डे है, बट अगर हम ट्यूबराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि अगर जब उसकी ट्यूबर फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम पे वो किस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो शॉर्ट डे प्लांट बिहेव करता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम प्लांट की टाइप के अकॉर्डिंग बात करें, उसकी ग्रोइंग हैबिट के अकॉर्डिंग बात करें, तो ये 2 टाइप्स का होता है, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। तो इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है? आप सभी को पता है कि टमाटो को हम ग्रीन हाउसेस के अंदर भी ग्रो करते हैं, मतलब कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी टमाटो के अंदर जो है वो वाइल्ड लेवल पे की जाती है। तो अगर हम बात करें कि इनडिटर्मिनेट में और डिटर्मिनेट में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा इसको देख के।
तो जो डिटर्मिनेट जो टमाटो को हम ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो करते हैं उसको इनडिटर्मिनेट टाइप बोलते हैं, और जो ओपन कंडीशन में होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा डिटर्मिनेट टाइप का टमाटो। ये वाला जो है वो इनडिटर्मिनेट टाइप है और ये वाला जो है वो डिटर्मिनेट टाइप का टमाटो होता है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीन हाउसेस के अंदर या फिर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर किस टाइप का टोमेटो ग्रो किया जाता है, तो आपका आंसर वहां पे होना चाहिए इनडिटर्मिनेट टाइप। इसका मतलब, अब इनडिटर्मिनेट का और डिटर्मिनेट वर्ड का क्या मीनिंग होता है? इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, और डिटर्मिनेट का मतलब होता है कंट्रोल्ड ग्रोथ। तो अब आपको पता होगा कि जो टमाटोज हम ओपन कंडीशंस में ग्रो करते हैं वो बुश टाइप होते हैं, बेसिकली उनके प्लांट जो है वो बुश टाइप होते हैं, उनकी हाइट भी जो है वो लिमिटेड ही होती है। बट जो प्लांट्स टमाटो के प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ग्रीन हाउसेज में ग्रो किए जाते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े बेलों टाइप होते हैं, और उनकी जो, इसी वजह से हमने उनको बोला है कि वो इनडिटर्मिनेट है, मतलब कि उनकी ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड होती है, इनकी ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड है। और जो वो डिटर्मिनेट टाइप है इनकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है। तो इसी वजह से ये डिफरेंस होता है दोनों में मेजर, इन दोनों वर्ड्स का यही मीनिंग होता है। अब जो टमाटोज ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो किए जाते हैं उनकी हाइट उतनी इंक्रीज होती है जितनी उसके अंदर हमने स्टेकिंग की हुई है, मतलब कि जितने तक उसको हमने बांधा हुआ है। तो मतलब कि यही जो वाइन्स हैं उन सभी की हैबिट यही होती है कि जितनी हमने उसको सपोर्ट दी है या फिर जितनी हाइट तक उसको बांधा हुआ है उसकी उतनी ही हाइट होगी। तो उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है क्योंकि उनकी नेचुरल ग्रोथ क्या थी, वो थी इनडिटर्मिनेट थी, मतलब कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ थी। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। और जो ग्रीन हाउस वाला टोमेटो है वो इनडिटर्मिनेट टाइप है, नॉर्मल वाला जो है वो डिटर्मिनेट टाइप है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि स्टेकिंग ऑपरेशन जो है वो किस क्रॉप के अंदर किया जाता है, तो किसके अंदर किया जाता है? ये किया जाता है आपका जो बुश टाइप का टमाटो है उसके अंदर। आपने देखा होगा कि उसको हम जो है वो आर्टिफिशियली किसी भी स्टिक के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो है वो स्टेकिंग ऑपरेशन उसको बोलते हैं। स्टेकिंग जो है वो टमाटो के अंदर की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्टेकिंग एंड पिंचिंग दोनों टर्म्स किस टमाटो के अंदर की जाती है, तो ये आएगा आपका इनडिटर्मिनेट के अंदर। पिंचिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्लांट का टर्मिनल पोर्शन है उसको हम जो है वो विद इन 7 डेज रिमूव करते रहते हैं, सो दैट कि उसकी एक्जिलरी ग्रोथ प्रमोट हो सके। अगर एक्जिलरी ग्रोथ प्रमोट होगी तो उससे क्या होगा, उसकी फ्रूटिंग एंड ब्रांचिंग जो है वो ज़्यादा होगी, तो हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। इसी वजह से पिंचिंग का मतलब क्या है कि प्लांट की जो टिप पोर्शन है किसी भी स्टेम की उसको हमने जो है वो 7 डेज के बाद जो है वो रिमूव करते रहना है, जब जब वो ग्रो हो रही है उसको रिमूव करते रहना है। तो इस चीज़ को हम पिंचिंग बोलते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ जाता है कि दोनों ये ऑपरेशंस हैं किस टाइप के टोमेटो में किए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है वैरायटीज के बारे में बात। तो वैरायटीज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती हैं क्योंकि एग्जाम में मोस्टली जो है क्वेश्चन वैरायटी से ही आती हैं। तो टोमेटो की कौन कौन सी वैरायटीज हैं आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो जब भी हम वेजिटेबल क्रॉप्स को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमने वैरायटीज को किस प्रकार से याद करना है कि जो वैरायटी की स्पेसिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू मल्टीपल डिजीज टॉलरेंट या फिर मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट, वो उनको तो हमने अच्छे से याद करना है, एग्जाम में उन्हीं के ही नेम ज़्यादा आते हैं। प्लस दूसरी वैरायटीज जिनकी कोई फर्दर स्पेसिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग वो भी हमने याद कर दिए क्योंकि उन्हीं से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। बाकी जो वैरायटीज़ के नॉर्मली नेम्स लिखे होते हैं अगर आपको वो नहीं याद हो रहे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट जिनकी कोई स्पेसिफिकेशन है वो तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि वही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोड्यूस्ड वैरायटीज की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं? रोमा, जायोक्स, बेस्ट ऑफ ऑल, ये तीनों जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटीज है टोमेटो की, जो कि ब्रीडिंग किस ब्रीडिंग मेथड से डेवलप है, इंट्रोड्यूस्ड मेथड से डेवलप होती हैं। इसके अलावा टोमेटो की जो म्यूटेंट वैरायटीज हैं ये भी इंपॉर्टेंट बनती हैं क्योंकि आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो म्यूटेंट वैरायटी से ही आ रहे हैं कि किस क्रॉप की कौन सी वैरायटी जो है वो म्यूटेंट होती है। तो इसमें हमने कौन कौन सी याद करनी है? S12 और PKM1 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम PKM वैरायटी जो है वो स्पोटा की भी होती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये टोमेटो की भी है और स्पोटा की भी है। इसके अलावा पूसा लाल मिरूटी जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने याद करनी है यहाँ पे। बाकी जो टोमेटो की हाइब्रिड वैरायटीज हैं, अब हमने पढ़ा था कि टोमेटो के अंदर हाइब्रिड वैरायटीज की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, कल्टीवेशन ज़्यादा होती है, तो वो वैरायटीज कौन कौन सी हैं? पूसा रूबी जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में, इसके अलावा पूसा रेड प्लम है, हिसार ललित है, पंजाब चुहारा जो कि इंपॉर्टेंट वैरायटी है पंजाब की, इसके अलावा पूसा उपहार एंड पूसा गौरव जो है वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं जो टोमेटो की ग्रो की जाती हैं। अगर हम बात करें कि कौन सी वैरायटी ग्रीन हाउस में ग्रो की जाती है और कौन सी जो है वो ओपन कंडीशन में ग्रो की जाती है, तो ये
कौन कौन सी हैं, ग्रीन हाउस वाली कौन कौन सी है। पूसा रूबी जो है वो ग्रीन हाउस कंडीशन में ग्रो की जाती है वरायटी, ग्रीन हाउसेज के लिए मोस्ट सुटेबल वरायटी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इनडिटर्मिनेट टाइप वरायटी है। इसके अलावा जायोक्स, मार्गलोब, वेस्ट ऑफ ऑल, ये सारी जो है वो इनडिटर्मिनेट टाइप की वरायटीज़ है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फॉलोइंग में से कौन सी टोमेटो की वरायटी जो है वो इनडिटर्मिनेट टाइप है। इसके अलावा नेक्स्ट है, इन्हीं सभी वराइटीज़ की जो है स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। तो मल्टीपल डिजीज़ रिजिस्टेंट वाली पे ऊपर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि टमाटो की मल्टीपल डिजीज़ रिजिस्टेंट वरायटी कौन सी है। तो ये है अर्का सम्राट वरायटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिक डिजीज़ की बात करें तो बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट वराइटीज़ टमाटो की कौन कौन सी हैं, अर्का, अलोक, अभिजीत एंड श्रेष्ठा, ये तीनों जो है वो बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट है। इसके अलावा जो रूट नॉट नेमाटोड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ है टमाटो के अंदर, इसके रेजिस्टेंट वराइटीज़ कौन कौन सी हैं। तो ये हैं पूसा 120, हिसार, ललित, ये दोनों जो हैं वो इम्पॉर्टेंट वराइटीज़ हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है टमाटो के अंदर हम किस को एज अ ट्रैप क्रॉप यूज़ करते हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, किस चीज़ की ट्रैपिंग के लिए उसको हम टमाटो के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा पंत सम्राट की हमने बात कर ली है, प्रोसेसिंग के लिए टमाटो की बेस्ट वराइटीज़ कौन कौन सी हैं, रोमा, पूसा, शीतल, पंत, बहार, ये तीनों जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वराइटीज़ हैं। इसके अलावा पंजाब चौहारा, जो कि पंजाब की इंपॉर्टेंट वराइटी है, ये सारी वराइटीज़ टमाटो की जो है वो प्रोसेसिंग पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा अगर हम विल्ट रेजिस्टेंट वराइटीज़ की बात करें, जो कि फ्यूजेरियम विल्ट रेजिस्टेंट है, तो इसमें से मार्गलोब वराइटी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हाई बीटा कैरोटीन रिच वरायटी कौन सी है। टमाटो की बीटा कैरोटीन का मतलब क्या होता है आपको पता है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज कलर की वरायटी है वो होगी जिसके अंदर बीटा कैरोटीन कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका नेम क्या है, कैरो रिच, इसी के नेम के सिमिलर ही है, जो कि हमें याद करना ईजी हो जाएगा। तो सभी ने बोला है कि मैरी गोल्ड को हम एज अ ट्रैप क्रॉप यूज़ करते हैं टमाटो के अंदर, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपने ये बताना है कि किस डिजीज़ को या पेस्ट को ट्रैप करने के लिए हम मैरीगोल्ड को यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा जो वैरायटी लो टेम्परेचर में ग्रो होती है वो टमाटो की, वो कौन सी, पूसा शीतल। तो ये नेम से क्लियर है, शीतल मीन्स टू से विंटर सीजन, और इसी वजह से इसको हम लो सीजन में, लो एयर टेम्परेचर एरियाज में ग्रो करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो अब टमाटो फ्रूट जो है वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, इसी वजह से हमें एग्जैक्ट जो है इसकी हार्वेस्टिंग के ऊपर मेन फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा हार्वेस्टिंग प्रोसेस डिले हो जाएगा तो इससे हमारे फ्रूट की जो है मार्केटिंग पे काफ़ी असर पड़ेगा। इसके अलावा सभी ने इसका आंसर किया है कि टमाटो फ्रूट बॉर्डर जो है वो टमाटो का, उसके अगेंस्ट हम जो है वो मैरी गोल्ड को एज अ ट्रैप क्रॉप यूज़ करते हैं। और टमाटो फ्रूट बॉर्डर का साइंटिफिक नेम क्या है, हेलिकवर्पा को इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है, और इसको हम जो है वो पॉलीफेगस पेस्ट भी बोलते हैं, जो कि मोर देन वन क्रॉप को डैमेज करता है, उसको पॉलीफेगस पेस्ट की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। तो हेलिकवर्पा जो है वो पॉलीफेगस पेस्ट है टमाटो का, और इसका जो कॉमन नेम है वो फूड बॉर्डर होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप में से कोई बता सकता है कि मैरीगोल्ड के अंदर ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसकी वजह से ये एज अ ट्रैप क्रॉप बिहेव करता है, उसको ट्रैप करने के लिए, हमारा फ्रूट बॉर्डर को ट्रैप करने के लिए। तो ये आपने बताना है इसका आंसर। इसके अलावा जब हमारा इसका हम बात कर रहे थे हार्वेस्टिंग की, तो अगर तो हमारी मार्केट क्लोज है अपने फील्ड के, तो अब हम उसको हार्वेस्ट कब करेंगे, जब उसका राइपनिंग स्टेज होगा, मतलब कि जब उसका कलर डेवलपमेंट हो रहा होगा उस टाइम पे हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। बट अगर मार्केट डिस्टेंट है तो उस टाइम पे हम उसकी रेड कलर फॉर्मेशन से पहले जो है उसको हार्वेस्ट करेंगे, सो दैट कि जितना टाइम हमें मार्केट तक पहुँचने में लगेगा उतने टाइम तक उसकी राइपनिंग धीरे धीरे होती रहेगी। ओवर राइपनिंग होने से उसकी क्वालिटी पे डैमेज, क्वालिटी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, इसी वजह से हम जो है वो उसी अकॉर्डिंग उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो डिस्टेंट मार्केट के लिए आइडियल स्टेज कौन सी है, मैच्योर ग्रीन स्टेज है, मतलब कि जो फ्रूट ग्रीन स्टेज में होता है, और ये तो कॉमन सेंस है कि ग्रीन स्टेज में जब होगा उसके बाद ही उसका कलर डेवलपमेंट होगा। तो धीरे धीरे, ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि पूरा ग्रीन होगा, जब वो कलर फ्रूट का हाफ पोर्शन जो है वो रेड कलर में डेवलप हो चुका होगा, उस टाइम पे जो है उसकी डिस्टेंट मार्केटिंग के लिए हार्वेस्टिंग की जाती है। कलर लोकल मार्केट के लिए कौन सी स्टेज होती है, ब्रेकर स्टेज, मतलब कि जब उसके कलर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, या फ्रूट के 3/4 पोर्शन के ऊपर कलर डेवलपमेंट हो जाती है, उस टाइम पे हम उसकी डिस्टेंट लोकल मार्केट के लिए जो है वो हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टमाटो फ्रूट की फर्मनेस
कि फ्रूट कितना सॉफ्ट है, कितना उसका कितना वो फर्म है, उसको किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्यूरोमीटर के थ्रू जो है वो इसको मेजर किया जाता है। इसके अलावा विराल ने आंसर किया है कि पार्थ्रिन जो है वो प्रेजेंट होती है मैरीगोल्ड के अंदर, जो कि फूड बॉरर को अट्रैक्ट करने का काम करती है, सो दैट कि मैरीगोल्ड एज अ ट्रैप क्रॉप बिहेव करता है, तो इसी वजह से हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। और मैरीगोल्ड को ट्रैप क्रॉप यूज़ करते हैं क्योंकि फ्रूट बॉरर के थ्रू टमाटो के अंदर काफ़ी सारे लॉसेज होते हैं, काफ़ी इसके प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, इसी वजह से इसको एज अ ट्रैप क्रॉप यूज़ किया जाता है। टमाटो का जो प्री कूलिंग टेम्परेचर है वो होता है 13 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो इसकी स्टेज पे सेम वही कंडीशन है कि उसकी कितनी स्टेज राइपनिंग है उसी के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। तो ये जो है वो 7.2 to 10 degrees की जो है वो आइडियल रेंज होती है। राजेश ने पूछा है टमाटो फ्लाई नेम का एक वायरस भी डेवलप हुआ है जो केरला में 80 के अराउंड केस है, क्या है ये? टमाटो फीवर है वो मेनली, टमाटो फ्लाई नहीं सुना मैंने, टमाटो फीवर की बात तो सुनी थी। तो टमाटो फीवर एक डिफरेंट टाइप का जो ह्यूमंस को कॉज करता है, तो वो है वो आप पता करना कि वो क्या है जो केरला में इसको कॉज कर रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट है ग्रेडिंग एंड सीड एक्सट्रैक्शन। मस्टर्ड में क्या किया जाता है, विल्ज ने पूछा है, मस्टर्ड में हम ट्रैप क्रॉप यूज करते हैं मैरीगोल्ड को, तो मस्टर्ड में हम मैरीगोल्ड को नहीं यूज़ करते ट्रैप क्रॉप, मस्टर्ड में किस और को किया जाता है वो नेम आपने बताना है कि किससे करते हैं। इसके अलावा अब हमें पता है कि वेजिटेबल क्रॉप्स के अंदर हमारी जो फर्दर प्रोपिगेशन होगी वो सीड के थ्रू ही होगी, तो इसी वजह से सीड एक्सट्रैक्ट करना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो टमाटो के अंदर जो फ्रूट से सीड की एक्सट्रैक्शन करनी है वो किस किस मेथड के थ्रू करनी है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो क्या है टमाटो के जो ग्रेड्स हैं, ग्रेड्स का मतलब क्या होता है कि फ्रूट के साइज के अकॉर्डिंग या उसके वेट के अकॉर्डिंग उसको किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, तो उसको हम जो है वो बोलते हैं कि उसके ग्रेड्स हैं। तो टमाटो के अंदर 4 ग्रेड्स होते हैं, सुपर ए, सुपर फैंसी एंड कमर्शियल। तो ये 4 ग्रेड्स हैं, एग्जाम में नॉर्मली आ जाता है कि सुपर फैंसी एंड सुपर जो है वो किस फ्रूट क्रॉप के ग्रेड हैं या किस वेजिटेबल के ग्रेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसका जो बेस्ट एक्सट्रैक्शन मेथड है, एक्सट्रैक्शन जो सीड की हम करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, सबसे पहले फ्रूट को जो है वो ओवर राइप किया जाता है, ओवर राइपनिंग के बाद जो है उसका उसके फ्रूट में से उसको टमाटो के अंदर फ्रूट में से सीड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब आपको पता है कि जब हम उसको उसकी पल्प से सेपरेट करेंगे तो वो सेपरेट नहीं हो पाएगा टमाटो का सीड, तो उसी वजह से क्या करते हैं उसको पल्प से सेपरेट करने के लिए उसको जो है वो एसिड एज वेल एज अल्कली ट्रीटमेंट के थ्रू जो है वो सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द पल्प। बट अगर हम बात करें कि टमाटो के अंदर कौन सा बेस्ट मेथड है सीड एक्सट्रैक्शन का, तो वो है अल्कली ट्रीटमेंट। अल्कली के थ्रू हम जो है वो सीड को पल्प से सेपरेट करते हैं, और जो ये अल्कली है ये कौन सी होती है, वॉशिंग सोडा जो है वो 10% वॉशिंग सोडा का सोल्यूशन जो है वो यूज़ किया जाता है। 10% सोल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर हमारा 1 लीटर वाटर है तो उसमें 10 ml जो होगा वॉशिंग सोडा होगा। अब आपने बताना है कि वॉशिंग सोडा जो है वो किसको बोलते हैं, कैल्शियम का कौन सा कंपाउंड है जिसको वॉशिंग सोडा बोला जाता है। तो नेक्स्ट है एसिड ट्रीटमेंट। एसिड ट्रीटमेंट हम किसके थ्रू करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू जो है वो एसिड ट्रीटमेंट होता है, और जो अल्कली ट्रीटमेंट है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है वॉशिंग सोडा के थ्रू होता है। और बेस्ट मेथड कौन सा है, ये वाला वॉशिंग हमारा अल्कली वाला मेथड ही है। इसके अलावा इसकी एवरेज सील्ड यील्ड कितनी है, वो होती है 100 to 120 kg पर हेक्टेयर। तो मतलब कि 1 हेक्टेयर में जितनी क्रॉप हो रही है उससे हमें 100 to 120 kg सीड प्रोड्यूस होता है, और 1 हेक्टेयर के लिए हमें चाहिए कितना होता है ग्रोइंग के लिए, वो हमारा था 400 to 500 ग्राम। मतलब कि इतने कम सीड से हमने इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लिए हैं, तो इसी को ही हम प्रोपिगेशन बोलते हैं। और ये आपको बात ध्यान में होनी चाहिए कि अगर हमने सीड प्रोडक्शन करनी है तो 1 हेक्टेयर से हमें कितनी सीड प्रोडक्शन होगी। तो यह सब विराल आपका आंसर बिल्कुल राइट है, सोडियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इसके अलावा नेक्स्ट डिजीज़ हैं जो कि किसी भी क्रॉप के इंपॉर्टेंट होते हैं, टमाटो के अंदर तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टमाटो के अंदर कौन कौन से डिजीज़ हैं, तो जिनके रेजिस्टेंट हमने वराइटीज़ को लर्न किया है वही सेम इनके अंदर डिजीज़ हैं। तो हम आपको वराइटीज़ भी याद हो गई, और दूसरा अगर हम डिजीज़ की बात करें तो वो भी आपको याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले है बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट जो है वो कहाँ पे सीरियस डिजीज़ है, जो कि ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं टमाटो के, टमाटो कल्टिवेशन के, वहाँ पे बैक्टीरियल विल्ट जो है वो सीरियस डिजीज़ है। बैक्टीरियल विल्ट
और फ्यूजेरियम विल्ट। अब दोनों ये विल्ट्स हैं, आपने बताना है कि दोनों विल्ट्स का देख के हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी विल्ट ने फ्यूजेरियम विल्ट को कॉज किया है और कौन सी ने जो है वो बैक्टीरियल विल्ट को कॉज किया है, क्योंकि जो फ्यूजेरियम विल्ट है इसको फंजाई कॉज करती है और ऊपर वाली जो हमने पढ़ी है इसको बैक्टीरिया कॉज करता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम जो है वो हमारी फ्यूजेरियम विल्ट है और दूसरा जो है उसको बैक्टीरिया कॉज करता है। इसके अलावा नेक्स्ट है लीफ कर्ल, तो लीफ कर्ल जो है एक वायरस की वजह से होता है। अब किसी भी वेजिटेबल के अंदर जगह लीफ कर्ल डिजीज़ की बात हो रही है कि उसको ट्रांसमिट कौन कर रहा है या उसका वैक्टर कौन है, तो वो वाइट फ्लाई ही होगा। चिली के अंदर भी वो वाइट फ्लाई ही है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना इस चीज़ में, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। तो लीफ कर्ल, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, इसका शॉर्ट फॉर्म है TULCV, तो इसका वेक्टर जो है वो वाइट फ्लाई है और ये मोस्ट सीरियस डिजीज है जो कि ऑटमन सीजन में होता है। इसके अलावा टोमेटो स्पॉटेड वायरस है जिसको टॉप्सो बोलते हैं और इसी तरह से एग्जाम में आता है कि टॉप्सो वायरस का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, वेक्टर इसका कौन है, तो ये थ्रिप्स की वजह से ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा फर्न लीफ भी टोमेटो का इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि एफिड्स के थ्रू फर्न लीफ वायरस जो है मेनली इसको बोला जाता है। फर्न लीफ एक वायरल डिजीज़ है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो फर्न लीफ है किस प्लांट का, किस वेजिटेबल क्रॉप का डिजीज़ है, तो ये टोमेटो का है, वायरल डिजीज़ है, कौन कॉज करता है इसको, एफिड्स जो हैं वो कॉज करते हैं। इसके अलावा मोज़ेक वायरस भी है जो कि सीड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, अगर सीड में पहले से इसकी इन्फेक्शन थी तो जितने भी सीड उससे मल्टीप्लाई होंगे तो उससे ट्रांसमिट हो जाएगा, तो ये टोमेटो के सारे डिजीज़ थे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें पेस्ट की, तो पेस्ट की बात हमने कर ली है कि टोमेटो फ्रूट बॉरर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है टोमेटो के अंदर, जो कि मेजर लॉसेस को कॉज करता है। तो इसको हम जो है वो हेलिकोबैक्टर बोलते हैं और इसका जो अल्टरनेटिव है वो क्या है, ट्रैप क्रॉप ऑफ मैरीगोल्ड, ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है। तो इसी वजह से मैरीगोल्ड ट्रैप क्रॉप को इसमें जो है वो ग्रो किया जाता है। इसके अलावा दूसरा क्या है, वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइट फ्लाई जो है इसके वायरस डिजीज को स्प्रेड कर रहा है, इसी वजह से वाइट फ्लाई भी इसका इंपॉर्टेंट पेस्ट है। तो वायरस ने बोला है कि चिली का थ्रिप्स है, तो चिली का थ्रिप्स बुक्स में लिखा हुआ है, बट चिली का भी जो है वो वाइट फ्लाई ही है, थ्रिप्स नहीं है, इस बात का आपने ध्यान रखना है और आपको ये पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, टमाटो के डिसऑर्डर्स। तो टमाटो के जो डिसऑर्डर्स है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला एंड मेजर है वो कौन सा है, क्रैकिंग है, और दूसरा कौन सा है, बेर, जिसके बारे में हमने बात की थी, ब्लॉसम एंड रॉट। तो दोनों जो हैं वो चिली टोमेटो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं। अब ब्लॉसम एंड रॉट किस प्रकार से होता है कि टोमेटो का जो पोर्शन ब्लॉसम वाला था, मतलब कि फ्लावर से डेवलप हो रहा था उसका बेसल पोर्शन जिसको हम बोल सकते हैं, वो रॉटन हो जाता है, मतलब कि वो सड़ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉसम एंड रॉट बोलते हैं। और ये हमने डिस्कस कर लिया है कि ये जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टोमेटो का डिसऑर्डर है। इसको ब्लैक सीड भी बोलते हैं क्योंकि इसकी वजह से सीड जो है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। इसके अलावा क्रैकिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है, क्रैकिंग भी जो है वो क्रैकिंग इसकी वजह से होती है, क्रैकिंग बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से है, ब्लॉसम एंड रॉट बेर जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से है। तो दोनों आपने अच्छे से ध्यान में रखने, क्योंकि दोनों ही जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ब्लॉची राइपनिंग या ग्रीन बैक भी टोमेटो का डिसऑर्डर है जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सन स्कैल्ड। तो सन स्कैल्ड का मतलब क्या है कि टोमेटो का फ्रूट अगर सनलाइट में ज्यादा एक्सपोजर उसका होता है तो उसकी वजह से सन स्कैल्ड हो जाता है। यस, आपको इंसेक्ट्स के साइंटिफिक नेम पता होने चाहिए, वो इंसेक्ट्स के जो कि इंपॉर्टेंट हैं किसी भी क्रॉप में, मतलब कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव हैं, उनके ही नेम आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऑप्शन में डायरेक्टली साइंटिफिक नेम बताए पूछे लिखे होते हैं, सो आपको वहां पे पता चल जाना चाहिए। ब्रिंजल में जो है वो हेली कवरपा जो है वो मेजर इतना पेस्ट नहीं होता, उसमें फ्रूट एंड शूट बॉरर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है या पेस्ट है। तो वहाँ पे हम इसी वजह से, क्योंकि वो पेस्ट चेंज हो गया, फ्रूट एंड शूट बॉरर जो है वो डिफरेंट पेस्ट है, और ओनली फ्रूट बॉरर जिसको हम हेली कवरपा बोलते हैं वो डिफरेंट है, तो इसी वजह से हमारा ट्रैप क्रॉप भी वहाँ पे यूजफुल नहीं होता है। तो अब हम बात करें थे सन स्कैल्ड की, तो इस प्रकार से फ्रूट का जो है वो फ्रूट के ऊपर स्कैल पड़ जाते हैं, मतलब कि फ्रूट का एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो रेड कलर में डेवलप नहीं हो पाता है, तो इस वजह से जो है वो गोल्डन कलर का बन जाता है, इसको हम जो है वो सन स्कैल्ड बोलते हैं कि सन का जो परछाई थी या फिर सन की जो लाइट थी इसके ऊपर पड़ गई, जिसकी वजह से सन स्कैल्ड हो जाती है, तो ये जो है वो हाई सन एक्सपोजर की वजह से ही होती है। इसके अलावा
पफीनेस जो है टमाटो का इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है। पफीनेस इस प्रकार से है कि टमाटो के अंदर जो उसका पल्पी पोर्शन था वो रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, पफीनेस बोलते हैं। अंदर से वो हॉलो हो जाता है और ये भी जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है पफीनेस। कैट फेस टमाटो का इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, एग्जाम में आ जाता है कि कैट फेस जो है वो किस वेजिटेबल का इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, तो ये किसका है, टमाटो का है। इसमें होता क्या है, इस प्रकार से फ्रूट की शेप नॉर्मल शेप से डिफरेंट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कैट फेस बोलते हैं। और ये क्यों होती है, ये होती है तब जब पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं होती, तो इसका रीज़न क्या है, इम्प्रॉपर पॉलिनेशन है, या फिर पॉलिनेशन टाइम पे अगर टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन हो जाती है, टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से कम या ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पर भी कैट फेस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो है वो इम्प्रॉपर पॉलिनेशन की वजह से होता है। ये सारे जो थे टमाटो के इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स थे। तो हमारा टोमेटो कल्टीवेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका ये सारा पोर्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, आपको पता चल चुका है कि किस किस पोर्शन को किस प्रकार से पढ़ना है। तो उसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट सेशन में जो है वो नेक्स्ट वेजिटेबल क्रॉप को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें उसका मेजर रोल रहेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।